नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बेस। सोने और चांदी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार सोने और चांदी की कीमतों में उठाव पटक जारी है और ऐसे में यहाँ पर सोने और चांदी ने एक बार फिर से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी खबर है कि 5 दिन में सोना हुआ 1500 रुपए तक महंगा, जानिए अब कब होगा सस्ता। जी हाँ, घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि चीन में फैली बीमारी का असर अब दिखने लगा है। दुनिया की कई बड़ी रिसर्च फर्म ने ग्लोबल ग्रोथ में इस साल का 1% गिरावट का अनुमान लगाया है और इसीलिए निवेशकों ने फिर से सेफ इन्वेस्टमेंट का रुख किया है, यानी कि शेयर बाजार से पैसा निकाल कर सोने और चांदी में डाल दिया है। वही कारोबारियों का कहना है कि अगले 1 महीने तक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। वही वैश्विक बाजार यानी कि ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चीन के वायरस के कहर के बाद सुरक्षित निवेश के लिहाज से सोना लोगों को काफी पसंद आ रहा है और यही कारण है कि वैश्विक बाजार में सोने का भाव 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। वही अगर कीमतों की बात करें तो इस सप्ताह में सोने के भाव में 1500 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सोने का भाव 42,509 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोने के साथ ही अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव में भी बड़ी तेजी देखने को मिली। चांदी का भाव 48,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में, तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मुदेर, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, बेंगलुर, इसी के साथ में विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहां पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।